Tanzania and support this. Because it's for women. It's for women empowerment and save the girl child. So I think we are both very happy. Exactly. I'm really happy to be here. और या अगर shoot है या अगर ऐसा कोई cause है तो सुबह उठना उतना मुश्किल नहीं होता है. और अदरवाइज या सुबह उठना थोड़ा मुश्किल है. भाई मतलब real life में तो ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा. तो at least real life में तो हम कुछ कर लें. हमारा एक्चुअली वो एम नहीं है. हमारा एम ये है कि लोग बाहर निकले, उन्हें फिल्म पसंद आए. ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस मायने रखता है, बट हमारा मेन एम ये है कि लोगों को फिल्म पसंद आए. बिकॉज फिल्म पसंद आएगी तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं. कि हमारी कैंपेनिंग शुरू हो गई है अभिमन्यु कौल जो मेरा कैरेक्टर है और अन्विता चौहान की, और 28 मार्च को वोटिंग शुरू होगी हमारी. सो प्लीज़ जाके देखिएगा ये फिल्म, आपको बहुत मज़ा आएगा. और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि प्रधानमंत्री पे आपने कभी फिल्म देखी नहीं है, और प्रधानमंत्री की लव स्टोरी तो आप कभी सोच भी नहीं सकते. यू नो मतलब आप इमेजिन करिए कोई भी हमारे प्रधानमंत्री रहे, उनकी लव स्टोरी कैसी रही होगी. यू कांट इवन इमेजिन. सो इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म. एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू गिव यू अ वेरी स्मॉल मैसेज व्हिच इज़ इफ़ यू वांट चेंज यू हैव टू बी द चेंज. सो ओवरऑल आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी और उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आएगा. मज़ा आया मुझे प्रधानमंत्री की गर्लफ्रेंड बन के. एंड आई थिंक मोर देन दैट एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है. जैसा जैकी कह रहे थे, इट्स अ वेरी नॉवल कॉन्सेप्ट. और मैंने कभी इस तरह की फिल्म देखी नहीं है, सुनी नहीं है. इट्स अ कॉन्सेप्ट विच वॉज एक्चुअली न्यू फॉर मी. एंड आई एम वेरी ग्लैड कि सोनी पिक्चर्स एंड वाशु जी एंड एवरीबडी रियली मेड दिस फिल्म हैपन, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म. और हम दोनों ने भी बहुत मेहनत की है और बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है. एवरीबडी शुड गो वॉच इट एंड दे वोंट बी डिसअपॉइंटेड. होना चाहिए दादा, क्या इसकी किसी बात कर रहे हो. ऑब्वियसली मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये फ़ायदा हो हमको. और अगर हम 0.00001% लोगों को भी यू नो एक मैसेज पहुँचा सकते हैं, उन्हें एनकरेज कर सकते हैं. सो आई थिंक वी हैव डन आवर जॉब, बिकॉज प्राइमरीली वी आर एक्टर्स. बट अबव एंड बियॉन्ड दैट, इफ़ वी कैन यू नो एनकरेज पीपल और सेंड आउट अ मैसेज, दैट्स इनडायरेक्टली अ सोशल सर्विस व्हाट वी डू. He's grown fabulously and in this film he'll surprise a lot of people. And I think he's a very underrated actor. Baaki jitni film mein ki hai unka talent aise ubhar ke nahi aaya hai. I think is film mein everybody's gonna love him because unhone bahut kamaal ka kaam kiya hai. Because maine acha kaam kiya hai and Neha Sharma ko love karne ke liye zyada mehnat karni nahi padti hai. She is very good looking. Ab industry works on perception honestly. So it's like a mentality, right? So it's like जैसा जिसको दिखाया जाता है वो वैसे देखते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट यू हैव टू कीप वर्किंग. आपको अपना काम करते रहना पड़ेगा एंड इवेंचुअली पीपल विल सी इट.